ना मैं किसी का और ना कोई मेरा। अपनी जिंदगी बनाने के लिए किसी लड़की के जज्बात से खेलोगे? सुनिए भैया सर, इसीलिए सब इंफॉर्मेशन जानने के लिए उनके बीच जाना पड़ेगा। टाइगर फ्लॉप एक के बाद एक मूवी करते ही जा रहे हैं, उसी के साथ साथ एक के बाद एक मूवी उनकी फ्लॉप होती जा रही है, और इसके बाद भी टाइगर फ्लॉप को काम मिलता ही जा रहा है, उसके बाद भी एक के बाद एक एक्शन मूवी करते ही जा रहे हैं। लगभग एक साल पहले इनकी मूवी स्क्रिप्ट डीलर की अनाउंसमेंट की गई थी, लेकिन उनकी कंफर्म मूवी फ्लॉप होने के बाद अब लोग चाहते हैं कि टाइगर फ्लॉप को नया कॉन्टेंट लेकर के आए जिसमें एक्शन के साथ साथ उनकी एक्टिंग स्किल भी देखने को मिले। लेकिन इसके बावजूद भी अब टाइगर फ्लॉप सिर्फ एक्शन मूवी करने वाले हैं। स्क्रू डीलर की ऑफिशियल वीडियो भी रिलीज कर दी गई थी से लोगों से ज्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि ऑफिशियल वीडियो में भी टाइगर श्रॉफ सिर्फ एक्टिंग छोड़ करके सिर्फ लात घूंसा ही चला रहे थे। लेकिन अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि हमें स्क्रू डीला में कौन सा नया कंटेंट देखने को मिलता है। और सुनने को तो ये मिल रहा है कि अभी इस फिल्म के ऊपर काम चल रहा है, उसके बाद इस फिल्म को लेकर के हमें कुछ ना कुछ अपडेट सुनने को मिल जाएगी। इस फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन में बनाया जा रहा है, आगे करण जौहर इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ को कैसे दिखाते हैं। वहीं बात करें फिल्म की कास्टिंग की, तो अभी तक इसको लेकर के हमें कुछ सुनने को तो नहीं मिला है। फिल्म में टाइगर श्रॉफ के साथ साथ सानिया कपूर भी देखने को मिलेंगी, और इन्हीं के साथ साथ हमें और भी कई बड़े एक्टर देखने को मिलेंगे। अगर बात करें इस फिल्म के हीरोइन की, तो अभी तक के इसको लेकर के तो कुछ क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ऑफिशियल वीडियो में तो हमें एक हीरोइन दिखाई गई है, लेकिन उसका फेस नहीं दिखाई दिया। लेकिन लोगों का मानना है जो ऑफिशियल वीडियो में हीरोइन देखने को मिली वो रश्मिका मंदाना थी। अगर बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर की, तो इसे बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टरों में से एक शशांक खेतान के डायरेक्शन में बनाया जाएगा। वैसे तो मेकर्स की तरफ से इस फिल्म का अनाउंसमेंट तो हो गई, लेकिन अभी तक के इस फिल्म रिलीज डेट को लेकर के अभी तक के मेकर्स की तरफ से कुछ सुनने को नहीं मिला। लेकिन अभी तक के तो ये सुनने को मिल रहा है कि अभी इस फिल्म के ऊपर काम चल रहा है, उसके बाद ये फिल्म का हमें टीजर देखने को मिल सकता है, और उस टीजर के बाद हमें पता लग जाएगा फिल्म के रिलीज डेट को लेकर के, और फिल्म में हमें हीरोइन कौन देखने को मिलेगा इसके बारे में सब कुछ पता लग जाएगा, और ये खबर पक्की है। और बात करें इस फिल्म की स्टोरी की, तो इस बार भी हमें इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ का सिर्फ एक्शन ही एक्शन देखने को मिले, और बाकी की स्टोरी को लेकर के अभी रिवील नहीं किया गया है। और बात करें इस फिल्म के बजट की, तो इस फिल्म का बजट गणपत मूवी के जितना यानी कि 150 करोड़ होने वाला है। और अब तो देखना तो ये होगा कि इतने बड़े बजट के साथ टाइगर श्रॉफ आपकी क्या कमाल करते हैं, क्या ये मूवी गणपत मूवी की तरह फ्लॉप तो नहीं होगी। और अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि ये फिल्म हिट होगी या फिर फ्लॉप। और बाकी दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।